तब गाजीपुर बॉर्डर की, जहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है। मौके से हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रही हैं, रिया राय, रिपोर्ट देखिए। की सीमाओं पर एक बार फिर से किसान कूच करने की योजना बना चुका है और 13 फरवरी यानी कि कल के दिन किसान तमाम जो सीमाएं हैं, जो दिल्ली की सीमा है, उन पर कूच करने वाला है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो सीमाएं हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पर है, जो कि यूपी की सीमा से लगता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो भारी वाहन हैं उनको यहाँ लगा दिया गया है, बैरिकेड्स को लगा दिया गया है, और तमाम जो ट्रैफिक पुलिस है और इसके अलावा दिल्ली पुलिस है, वो जो गाड़ियों का आवागमन लोग यहाँ से कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें डायवर्सन बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रास्ता बंद रहेगा तो ऐसे में लोगों को आवाजाही में बेहद दिक्कत होने वाली है, तो वो ऐसे समय में डायवर्जन का ही इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे यानी कि जैसे जैसे किसानों के कूच करने का समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दिल्ली पुलिस के जो इंतजाम है वो बहुत कड़े होते जा रहे हैं, और इन्हीं इंतजामों को पूरा करने के लिए गश्त जो है पुलिस के माध्यम से लगातार बढ़ाई जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से ये देखिए कि ये गाजीपुर का जो पूरा रास्ता है, ऊपर जो पूरा पुल जा रहा है, इस पूरे पुल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, जो कि अपने जो भी औजार होते हैं उन्हें लेकर यहाँ पर मौजूद है। तमाम गाड़ियां दिल्ली पुलिस की लगी हुई हैं, और इसी के साथ में आप आगे आकर यहाँ पर देखेंगे तो गाजीपुर का ये पूरा रास्ता जो कि दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक तरफ गाड़ियों की आवाजाही हो रही है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन लेयर में बैरिकेड्स को लगाया गया है, और उसके सामने जो कंक्रीट के पत्थर होते हैं उन्हें भी यहाँ पर लगा दिया गया है, ताकि यूपी की सीमा से जब दिल्ली की सीमा में किसान एंटर करना चाहे, यानी कि अंदर जाना चाहे, सीमा को क्रॉस करना चाहे, तो उन्हें आसानी से रोका जा सके। हालांकि ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में दिल्ली पुलिस का यह आह्वान है कि इन रास्तों को कहीं ना कहीं पर पूरी तरीके से ना इस्तेमाल करें और अपनी योजना को बनाकर चलें, क्योंकि किसान 13 फरवरी को कूच करने वाले हैं और सीमाओं पर इस तरीके का कड़ा पहरा देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुरभि के साथ मैं रिया, टोटल टीवी, दिल्ली।